नहीं चाहिए, शीट नहीं चाहिए, कुछ और करवाना है। ओके स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का चैप्टर चल रहा है और सेंटर ऑफ मास के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि थ्योरी का ही पोर्शन है, जो मैं नॉर्मल क्लास में नहीं करवाता, मैं एक्स्ट्रा क्लास में करवाऊंगा, तो ये इसको डिले किया नहीं जा सकता। तो मैं सेंटर ऑफ मास का एक टॉपिक कभी करवा रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाओगे अपनी नॉर्मल क्लास में उसे, ठीक है? तो अगर टाइम बचेगा फिर वर्कपा पे वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ रिंग। जो रिंग होती है ना उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंटर पे होता है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, ठीक? और जबकि सेंटर पे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता, तो क्वेश्चन आता होता है क्या जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का, बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, बॉडी के मास में होना चाहिए? जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास रिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो, रिंग के अंदर सेंटर पे नहीं, सेंटर पे होता है। तो हमने क्या करना है, सपोज ये वर्टिकल के अंदर एक सेमी सर्कल की फॉर्म में रिंग है कुछ ऐसे, तो अगर ये ग्राउंड पे ऐसे पड़ी हुई है, ये ग्राउंड पे इस तरीके से पड़ी हुई है सच दैट इसका रेडियस इज आर एंड मास इज एम, इसका मास एम है और रेडियस आर है। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा ग्राउंड से, इस ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा ये बताना है। पहले ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा कि वाई पे लाई करेगा? हाँ वाई पे करेगा, सिमेट्री है, एक्स पे क्यों करेगा, लेफ्ट और राइट, तो वाई पे लाई करेगा। अब कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मास जो है वो राउंड इस सेमी सर्कल की फॉर्म में है। आपको बताना है कि वो एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा, हाइट बतानी है। देखो कैसे निकाल सकते हो, देखो सबसे पहला काम ये इसमें ये रहा ओरिजिन ले लिया, कर लिया। मतलब क्या फॉर्मूला क्या लगाऊं, m1y1 m2y2 m3y3 वाला अपॉन m1 + m2 + m3? नहीं, क्यों लगेगा, पॉइंट मास थोड़ी ना कोई। और अगर पॉइंट मास नहीं है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू क्या होगी, वाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो एक ही तरीका और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक? नहीं ना करे, पर कॉन्टिन्यूस तो हो ना, m1 m2 ना हो अगर तब ना करे, हाँ जब पॉइंट मास नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ठीक। अब आपको इसके लिए डीएम लेना पड़ेगा, जहाँ मर्जी ले लो, यहाँ ले लो जहाँ मर्जी ले लो। तो लेट अस सपोज हम यहाँ ले लेते हैं, ये आपके पास एक स्मॉल मास
डीएमए, और रिंग के केस में याद रखना हमेशा ऐसे एंगल बनता है, शायद पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है ऐसा कुछ किया था ना, रिंग के केस में बताया था ऐसे एलिमेंट लेना होता है और ये एलिमेंट, हाँ हमने चेन वाले क्वेश्चन में किया था ऐसा कुछ, तो सभी में सेम स्ट्रैटेजी है। ये जो एलिमेंट है लेट अस सपोज कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है, ये जो एलिमेंट है ये डी थीटा एंगल बना रहा है, और इस एलिमेंट को आपने लिया कहाँ पर, इस एलिमेंट को आपने थीटा एंगल पे लिया, ये जो एलिमेंट है ये कितने एंगल पर है, ये थीटा थीटा एंगल के ऊपर है, ठीक, कोई भी एंगल ले लिया आपने इसका, तो ये जो लेंथ है या ये जो स्मॉल आर्क है इसकी वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा, ये पॉइंट सबको क्लियर है, क्यों, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल इंटू रेडियस से आर इंटू डी थीटा, और किसी भी इंस्टेंट पर ये जो हाइट है इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, वाई, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई, ठीक, डीएम निकालने, देखो डीएम क्या होगा, कोई बताएगा डीएम क्या होगा, बोलो, पहले देखो मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ ना, रिंग, रिंग के केस में जितनी मर्जी बड़ी हो रिंग हमेशा पर यूनिट लेंथ ही लेना है, वो तो दिखाने के लिए बड़ी बनाई है लेकिन एक्चुअल में इट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ ओनली, डिस्क में एरिया आएगा, रिंग में लेंथ आएगी, और स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम आएगा, हॉलो स्फीयर में एरिया आएगा, बस यही स्टैंडर्ड है। तो मास पर यूनिट लेंथ बोलो कितना है, टोटल मास कितना है एम, लेंथ कितनी है पाई आर, टू पाई आर नहीं पाई आर, और हमने डीएम किसका निकालना है, स्मॉल लेंथ का, ये स्मॉल लेंथ कितनी है आर डी थीटा, डीएम तो आ गया हमारे पास, एम मास तो पूरी उसका ही है, सेमी सर्कल का है, तो इसमें ये वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर ये आर है, अगर ये आर है और अगर ये वाई है तो ये थीटा है, तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज वाई डिवाइडेड बाय आर, तो वाई इज इक्वल टू कितना आर इंटू कॉस थीटा, तो वाई की जगह यहां पर एक काम करते हैं, तो वाई सेंटर ऑफ मास में हम वैल्यूज को पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की जगह क्या आएगा एम डिवाइडेड बाय कितना पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू वाई की जगह क्या पुट करेंगे आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की जगह एक बार फिर से एम डिवाइडेड बाय कितना पाई आर इंटू डी थीटा, ठीक, ठीक, रादर रादर एक काम करते हैं, इस डिनोमिनेटर में ये पूरा पुट करने का फायदा नहीं होगा, उसका रीजन है क्योंकि जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा डी थीटा को तो मेरे पास टोटल मास ऑफ सेमी सर्कल ही आ जाएगा, तो इट्स बेटर कि बिना लिमिट पुट किए, हमें टोटल मास एम पता ही है, हमें जरूरत क्या है इसको पुट करने की, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम 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 क्या आ जाएगा टोटल मास एम ही तो आएगा, तो जरूरत क्या है इसको फालतू में इंटीग्रेट करने का, एक स्टेप बचाते हैं, टोटल मास तो एम ही रहेगा इसमें, जैसे एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री करते हैं उसमें इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल गिव एम, तो यहां से एम हो जाएगा कैंसल, आर से आर कैंसल, तो y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट r बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, और क्या बच गया cos थीटा d थीटा, और इसकी क्या करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन, जीरो से पाई करेंगे, चेक करो लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें लिमिट्स क्या लगेंगी, ओके देखो एंगल की फॉर्म में लिमिट्स लगेंगी, ये तो बात पक्की है, जो लिमिट है एंगल की फॉर्म में लगेगी, अच्छा बताओ अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो एलिमेंट यहां पर आ जाएगा, ठीक, और अगर थीटा 90 है तो ये एलिमेंट यहां जाएगा, थीटा 90 पे ये एलिमेंट यहां जाएगा, जीरो पे यहां जाएगा,
हम लिमिट पुट कर सकते हैं 0 से 90, लेकिन उससे यहां से यहां का पोर्शन कवर होगा, हमें तो टोटल कवर करना है, तो रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला तरीका ये होगा कि आप इसमें 0 से लिमिट लगाओ, लेकिन कहां तक लगाओ, पाई बाय 2 तक लगाओ। इससे सिर्फ क्वाड्रेंट पूरा होगा, पूरी सेमी सर्कल तो पूरा नहीं हुआ। अगर ये थीटा 0 है तो ये एलिमेंट ये आ जाएगा टॉप मोस्ट, यार अगर थीटा 0 है तो ये एलिमेंट मेरा हाथ इधर नहीं आ गया, और थीटा 90 भी इधर आएगा, ठीक। तो लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो पूरा, ये तो आधा पोर्शन कवर हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या फिर एक और तरीका, ये तो एक तरीका है ही है, काफी बुक्स ये नहीं यूज करती, काफी बुक्स ये यूज करती है, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2। मीन्स वो ये मानती है कि ये ओरिजिन की लाइन है, सेंटर लाइन है, अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल है क्वाड्रेंट में, और अगर इधर जाएंगे तो नेगेटिव एंगल है। तो वो बोलता है अगर माइनस पाई बाय 2 है तो एलिमेंट यहां आ जाएगा, प्लस पाई बाय 2 है एलिमेंट यहां आ जाएगा, 0 पे है एलिमेंट यहां आ जाएगा। 0 से पाई में प्रॉब्लम है, 0 अगर एंगल लेते हैं एलिमेंट यहां है, पाई अगर लेते हैं तो रिंग यहां तक आती नहीं है। इस वजह से या तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 करो, या मेरे पहले वाला मेथड बेटर है, क्योंकि मैथ्स की ही प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन में आपको मैथ्स के टीचर करवाएंगे कि इसकी जगह अगर आप माइनस थीटा से थीटा लिमिट को 0 से थीटा लगाते हो तो 2 से रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कर लो, या 0 से पाई बाय 2 कर लो और रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो यहां से इंटीग्रेशन आप करो इसकी, आर डिवाइडेड बाई पाई, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा, माइनस पाई बाय 2 से लेके कितना, प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई पाई इंटू कॉस इंटू साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ कितना, माइनस पाई बाय 2। तो आपके पास आएगा आर डिवाइडेड बाई पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1, और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो कित 2 आर डिवाइडेड बाई पाई, ठीक। तो आंसर आ गया 2 आर डिवाइडेड बाई पाई। इसका प्रूफ मुझे नहीं पता कि प्रूफ तो कोई नहीं आएगा, स्कूल में तो आता ही नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। आज के बाद ये जो हाइट है ओरिजिन से, सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कल का कहाँ लाई करेगा, 2 आर बाय पाई हाइट पे करेगा। तो मैं बोल रहा था मेंस और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए डालते हैं क्योंकि जिन्होंने ये स्टडी किया हुआ है ऑब्वियसली वो उसको ठीक कर देंगे, और एडवांस के अंदर तो कुछ नई शेप दे देगा हो सकता है आपको, तो आपको लिमिट वगैरह सब पता होना चाहिए सारा, और आपको हर चीज नॉलेज होनी चाहिए। यू नेवर नो, कल को एक नया कोई नया कॉन्सेप्ट दे देगा आपको, रॉड और रिंग मिक्स करके दे देगा, या कुछ भी ऐसी शेप दे देगा जिसमें आपको एक्चुअल मेथड तो आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मेथड सीखना। और प्रॉब्लम देता हूँ उसमें आप हो सके तो खुद ट्राई करना, ठीक। मैं आपको हेल्प करूँगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इतना लेवल को एकदम खुद कर पाओगे, बट थोड़ा 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 करके आपको एक एक स्टेप में हेल्प करता जाऊँगा, सो दैट आप थोड़ा सा अपना आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी ग्रो हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ रिंग की जगह हाफ डिस्क। अब देखो, मैंने बताया था रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे, डिस्क का सेंटर ऑफ मास डिस्क के सेंटर पे, प्रोवाइडेड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्क के अंदर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया। अब डिस्क के अंदर क्योंकि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे अभी हमने सीखा, तो इसके अंदर अगर मान लो अब हम अगर डिस्क लेते हैं, तो अगर हम हाफ डिस्क लेते हैं सच दैट ये आपके पास एक वर्टिकल डिस्क है ऐसे पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, सच दैट इसका रेडियस कितना है, आर है, एरिया में मास है, मास ही मास है, और ऑब्वियस है कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई तो इस एक्सिस भी करेगा, जहां भी करेगा
ओ पॉइंट से कहां करेगा ये आपको बताना है, और टोटल मास कितना है इसका एम है। ठीक, हिंट की फॉर्म में ये देना चाहता हूं। पहली बात तो ये आपको पता लग चुका है मास पर यूनिट एरिया यूज होने वाला है, ये हिंट नहीं है, आपको मालूम है। हिंट ये है, सबसे पहले ढूंढना होता है एलिमेंट्री पोर्शन। एलिमेंट्री पोर्शन का मतलब होता है कि कोई चीज किससे बनी हुई है, जैसे रिंग किससे बनी हुई है, छोटे छोटे डीएम 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 एलिमेंट से जो लेंथवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क किससे बनी हुई है, डीएम से लेंथवाइज नहीं, डिस्क बनी हुई है या सेमी डिस्क, ये हाफ डिस्क बनी हुई है छोटी छोटी रिंग से। मतलब अगर मान लो ये एक हाफ डिस्क है, इसके अंदर इमेजिन करो आपने एक रिंग ली, एक और रिंग ली, रिंग के बाद रिंग के बाद रिंग 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 करते गए, चिपका दिया सबको, और थिकनेस है इस ऑब्वियसली इसकी कुछ एक रिंग की, तो आपको देखोगे एक डिस्क बन जाएगी। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास तो आपको पता है क्या है, कहाँ होता है, ये रहा 2r बाय पाई हाइट पे होता है। तो कोई भी एक रिंग ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, ऐसी सभी रिंग्स का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आपको कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा। पहले ये समझ में आया, रिंग्स बनी हुई हैं तो ये बहुत सारी रिंग्स ऐसी इकट्ठी करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो क्या बन जाएगा, एक डिस्क बनेगा। ये तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ठीक, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो इसके अंदर एक काम करेंगे हम, इसमें लेट अस सपोज ये जो इसकी थिकनेस है इसको डी वाई मान लेते हैं। मान लो ये थिकनेस इज डी वाई, और इसका जो कोई भी जो आपने रिंग ली है, हाँ सेंटर मास तो यूज करेंगे ही, लेट अस सपोज वो किसी भी इंस्टेंट पे उसका रेडियस कितना है, वाई। अब रेडियस तो चेंज हो रहा है ना, वैसे तो आर रेडियस है डिस्क का, हम तो वेरिएबल कोई भी एक रिंग उठा रहे हैं, तो रिंग का रेडियस इसके इक्वल है। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो मैं आपको एक डिस्क देता हूं, उस एग्जांपल से हटके एक एग्जांपल है, अगर सपोज ये डिस्क है और डिस्ट्रीब्यूटेड है मास इसमें, और ये किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से बनी हुई है, वो हाफ है तो मैंने हाफ लिया, फुल है तो फुल ले लेंगे। ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक, और सपोज मेरा ये क्वेश्चन है कि टोटल रेडियस तो इसका आर है डिस्क का, लेकिन रिंग का रेडियस किसी भी इंस्टेंट पर वाई है, और थिकनेस कितनी है, डी वाई है मान लो, और मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इसका मास निकाल सकते हो रिंग का, निकाल सकते हो कैसे, पहले ये देखो कि डिस्क के ऊपर मासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, ओवर इट्स एरिया, एरिया। तो अब क्या करोगे इसमें, आप मास पर यूनिट एरिया लोगे डिस्क का, जैसे अगर टोटल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास कितना है पूरे डिस्क का, एम। तो वन के लिए यूनिट मास पर यूनिट एरिया क्या आ गया, इतना आ गया। और अगर मुझे मास ऑफ रिंग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग एम बाय पाई आर स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग। ठीक, तो आपके पास वैल्यू आएगी, एरिया ऑफ रिंग बोलना पाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई वाई स्क्वायर, तो ये पूरा आ जाएगा, ये तो चाहिए, नहीं शेडेड पोर्शन चाहिए, शेडेड चाहिए मेरे को, तो शेडेड एरिया होगा ना रिंग का, तो किसका किसका, पाए माइनस कैसे, पाए वाई स्क्वायर अंदर वाला एरिया माइनस डी वाई स्क्वायर, ये तो कोई एरिया नहीं होता डी वाई स्क्वायर, ओके, पाए वाई प्लस डी वाई का होल स्क्वायर माइनस, ये तो कुछ इट मेक सेंस, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया,
ठीक, तो इसके अंदर पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी माइनस पाई वाई स्क्वायर, या फिर पाई इंटू वाई का स्क्वायर प्लस पाई इंटू डी वाई का स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई इंटू डी वाई, कुछ ऐसे माइनस पाई इंटू वाई का स्क्वायर, कैंसिल हो गया। और याद रखना डी वाई इज वेरी वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, 0.00000 समथिंग, उसका स्क्वायर इज बहुत ही ज्यादा छोटा, तो दिस अप्रोक्सीमेटली कैन बी निगलेक्ट, इतना छोटा है कि जीरो छोड़ दो ऐसे। तो अप्रोक्सीमेटली एरिया क्या आएगा, 2 पाई वाई इंटू डी वाई, 2 पाई वाई इंटू डी वाई, या शॉर्टकट आज के बाद ये नहीं करेंगे हम, आज के बाद सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, एरिया ऑफ रिंग इंटू थिकनेस, एरिया ऑफ रिंग इंटू थिकनेस। तो आज के बाद कोई बुक जब पढ़ोगे आप, तो जब इसका एरिया निकलेगा ना, वो सीधा ही फॉर्मूला लगाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। तो अब रिंग का एरिया निकाल लो, पाई जो भी सर्कमफ्रेंस से, सॉरी सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सॉरी, तो 2 पाई वाई सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस डी वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये y है ना रेडियस, यहां से यहां तक डी वाई एड कर दे, y प्लस डी वाई, तो खुद सोच शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस नहीं करेगा, ये क्यों करेंगे हम, मैं तो शेड कर रहा हूं ना, शेड समझते हैं, रंग बिरंगा कर रखा है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया इसके में से इस माइनस करेंगे, नहीं देखो लगा
तो बताओ जी इसमें कैसे करेंगे। अच्छा पहले हम बात कर रहे थे, वो तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम इसका मास निकाल लें, इसका भी तो मास निकालना पड़ेगा आपको, तो शॉर्टकट लगाएं। हाँ ठीक है, तो इसका मास, इस पहले इसका एरिया बोलो क्या होगा। अब इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, पाई इंटू वाई, टू पाई वाई नहीं, पाई इंटू वाई, और थिकनेस कितनी है, डी वाई। बस अब सीधा आज के बाद यही लगाया करेंगे, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये काफ़ी बार यूज होता है कॉन्सेप्ट, तो वन टाइम करवा दिया, लेकिन आगे से सीधा शॉर्टकट लगेगा। लिख लो, तो देखो इसमें मास निकाल लें इसका, मास ऑफ रिंग। देखो एक बात को समझ लो, इसमें टोटल मास एम है पूरी डिस्क का, तो रिंग का मास इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएम। रिंग एक एलिमेंट्री पोर्शन है डिस्क के कंपैरेटिवली, डिस्क के कंपैरिजन में रिंग एक छोटा पोर्शन है, इसका एलिमेंट है, तो मास डीएम है। जैसे रिंग के अंदर मास एम था रिंग का, लेकिन एलिमेंट्री पोर्शन डीएम है, तो जो भी एलिमेंट्री पोर्शन बनेगा वो स्मॉल मास की कैटेगरी में जाएगा डीएम में। तो डीएम इज इक्वल टू मास एम, इसका एरिया कितना है पूरी हाफ डिस्क का, पाई आर स्क्वायर बाय टू, मास पर यूनिट एरिया, एरिया तो पाई आर स्क्वायर नहीं ना, एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाय टू इन टू मास ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई कर दें, रिंग निकल रहा है ये, ये हमने ये क्या लिया, दिस इज मास पर यूनिट एरिया। एक्चुअल फिगर तो डिस्क है ना, तो डिस्क का मास अपॉन डिस्क का एरिया। अच्छा ऐसे कर लो, अगर डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय टू है तो मास कितना है, एम है, टोटल मास तो एम है ना डिस्क का, तो वन है तो m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर बाय टू है, और अगर रिंग का निकालना है तो रिंग के एरिया से इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग। समझ में आ रहा है डीएम कैसे आएगा, ठीक। तो इसमें क्या करें अब, पाई इंटू वाई इंटू कितना डी वाई आ गया, क्या स्टेप क्लियर है, स्मॉल मास आ गया।
देखो, सो अब इसमें ये बताओ कि इसमें जो एरिया ऑफ रिंग समझ में आ गया आपको, कोई मुझे नेक्स्ट स्टेप बता दे तो यानी कि उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक, मैं हिंट दूंगा मुझे क्या निकालना है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। तो मैं हिंट ये दूंगा, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का करने का फॉर्मूला तो यही रहेगा, बोलो क्या, डीएम। अब डीएम किसका, मास ऑफ रिंग। देखो हम करने क्या जा रहे हैं, एक मिनट मैं एक और चीज समझा दूं, पहले फॉर्मूला लिखने से पहले, हम पहली रिंग लेंगे, उस रिंग का कोई सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी वाई। ठीक, मान लो इसमें 100 रिंग्स हैं, पता नहीं कितनी है, मान लो 100 रिंग्स हैं, 100 रिंग्स का अपना अपना 100 सेंटर ऑफ मास आएंगे, C1 C2 C3 करके C100। हम 100 रिंग्स का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास माना जाएगा। N रिंग्स हैं, अगर मैं हर का सेंटर ऑफ मास बता दूं आपको, C1 कहां पर है, C2 कहां पर है, C3 कहां पर है, और उनका सेंटर ऑफ मास निकाल दे तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास आएगा। ये लॉजिक क्लियर है? ठीक, तो पहले एक रिंग का निकाल लें, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे है। रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होगा, मास ऑफ रिंग इनटू, फॉर्मूला तो मुझे पता ही है कि क्या यूज करना है। अब मुझे यहां पर क्या यूज करना है, वाई, डीएम इंटू वाई बाई, यही होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो वाई है, ये वाई, ये वाई नहीं होगा, ये वाई होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। इसको एक बार समझो, दो मिनट आराम से और सोचो मैंने क्या लिखा, सोचो जो मैंने लिखा, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा। डीएम तो ठीक है, मास ऑफ रिंग है, मास ऑफ रिंग इनटू क्या किया, हाइट ऑफ इट सेंटर ऑफ मास m1 y1। वो रिंग है तो, पर रिंग में y क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको हिंट अभी दे दिया था कि अगर 100 रिंग्स हैं तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहली रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अच्छा चलो ऐसे कर लो, छोड़ दो उसे, मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक रिंग है, उसका सेंटर ये रहा C1, दूसरी रिंग का ये रहा, तीसरी का ये रहा, चौथी का ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। इस सेंटर का कोऑर्डिनेट y, सेंटर ऑफ मास है कुछ भी होगा इसका, ये y1 है, चलो y1 है ग्राउंड से, इसका कितने y2 है, इसका कितने y3 है, इसका कितने y4 है, एंड yn है। अच्छा सेंटर ऑफ मास निकालो सिस्टम का, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अप टू mn yn बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 mn, सही। अब ये y है क्या, सेंटर ऑफ मास की हाइट है ना, सेंटर ऑफ मास की हाइट ले रहा हूं ना मैं तो वो इसी में वही बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें m1 m2 नहीं, मैं कहां से दिखाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m1 m2 m3 की जगह dm, y1 y2 y3 आर हाइट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल रिंग्स, तो इन जनरल उसको क्या लिख दिया, y सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। हाँ तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट मास ना, रिंग का सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट मास, तो अब रिंग को भूल जाओ, नहीं चाहिए रिंग। ये प्रॉब्लम तो मैंने क्रिएट की क्योंकि मुझे मास चाहिए था रिंग का, नहीं तो मेरा बस चलता ना, मुझे मास ऑफ रिंग दे दो, मैं ना करता एलिमेंट एलिमेंट, मैं सीधा बोल देता कि पिछला रिजल्ट हमने किया हुआ है, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास की हाइट तो भी कितनी निकाली थी, 2r/π, कितनी, यही थी 2r/π ना, तो मैं उठा के क्या पुट कर देता, 2r/π में r क्या पुट करता रिंग का, 2y/π। पॉइंट समझ में आया, यहां पर y नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, 2y/π, क्योंकि ये मास एक रिंग का मास है और वो मास रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पर आपने उसको कहां पर इमेजिन करना है, उसके कहां पर पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे पड़ा हुआ है, और सेंटर ऑफ मास पे कितना मास पड़ा है, इतना मास पड़ा है, और कितनी हाइट पर पड़ा है, इतनी हाइट पे पड़ा है। फिर से एक बार सोचो, ओके ओके ओके, छोड़ छोड़ एक मिनट यार, मैंने इसमें एक डिस्क ली,
मुझे इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डिस्क को एज्यूम किया कि बहुत सारी रिंग्स का बना हुआ है, ठीक। अगर मैं एक रिंग का सेंटर ऑफ मास बता दूं कि वाई मान लो ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर पड़ा होगा, 2y/π पे पड़ा होगा, यहां पे पड़ा होगा C1। अगली रिंग जब लूंगा उसका सेंटर ऑफ मास 2y/π पे पड़ा होगा, y चेंज हो रहा है, ठीक। तो हर रिंग का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे। तो अगर मैं सभी सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, तो मैंने उनमें से एक रिंग ले ली, किसी तरीके से इसका मास निकाल दिया m1, dm ना बोलो m1 बोल लो, और इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो मुझे पिछले रिजल्ट से वैसे ही याद थी, तो मैं इंटीग्रेशन क्यों करूं, सीधा फॉर्मूला याद कर लिया मैंने 2y/π कि अगर कोई भी रिंग है जिसका रेडियस अगर y है तो उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, 2y/π होगी। तो m1 का मतलब dm और सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है, 2y/π। हाँ पूछ पूछ फिर से। बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा, मैंने कुछ करवाया ही नहीं ऐसा। देखो मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये डिस्क है, ये फर्स्ट रिंग का सेंटर ऑफ मास है C1, छोड़ो उस फिगर को, सेंटर ऑफ मास तो समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ, अगर ये जो रिंग है इसका रेडियस अगर y है तो ये 2y/π पे होगा ना, ये तो समझ में आ रहा है। अगली रिंग का सेंटर ऑफ मास C2 है, इसका वाई चेंज हो गया तो अगेन 2y/π होगा इसका भी। अगली का C3 है एंड सो ऑन, ठीक। और इसके ऊपर मास पड़ा हुआ है m1 m2 एंड सो ऑन। तो आप क्या करना चाहोगे, सभी सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, m1 इंटू y1, मान लो ये y1 है, प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3। अब क्योंकि पॉइंट मास तो है नहीं, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इंटीग्रेशन यूज करूंगा। तो इंटीग्रेशन में क्या यूज करूंगा, m1 इंटू y1 की जगह dm मास ऑफ अ रिंग, कोई भी एक रिंग, इंटू उसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से R तक। तो सारी रिंग्स का m1 इंटू y1, m2 इंटू y2, m3 इंटू y3 ऐड होता जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल मास m ऑफ द डिस्क। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास किसका आ गया, ये सेंटर ऑफ मास डिस्क का आ गया। अब कुछ कैच किया कि कैसे किया इसे, तो सभी रिंग्स का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, तो यानी कि आपको जब रिंग का क्वेश्चन दिया था पिछला, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास जब आपने निकाला था तो एलिमेंट्री पोर्शन डीएम लिया था, फिर आपने इंटीग्रेशन की थी। पर डिस्क के अंदर भी रिंग आ रही है, अब रिंग का रिजल्ट आपने याद कर लिया कि रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको पता है इतनी हाइट पे होता है, कोई भी एक रिंग ले ली, उस रिंग का मास ले लिया, उसका सेंटर ऑफ मास ले लिया, और ऐसी सभी रिंग्स के लिए इंटीग्रेट करोगे तो m1 y1 m2 y2 m3 y3 y चेंज होता जाएगा, और आपके पास सभी सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास डिस्क का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है यहां तक। सो इसमें डीएम की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, 2m/πr² π से पाई कैंसल, 2m/r² y इंटू कितना dy, ये क्या आ गया, मास ऑफ रिंग आ गया। इस मास ऑफ, और यहां तो टोटल मास m पुट कर देना, इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब एक रिंग का मास, सेकेंड रिंग का मास, थर्ड रिंग का मास, तो टोटल मास m हो जाएगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू वाई इंटू कितना dy dm इंटू 2y डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई टोटल मास m, m से m कैंसल, यहां से आपके पास क्या आ गया, 4 और आर स्क्वायर पाई बाहर आ गया, 4 ये 4 हो गया, ये पाई और ये आर स्क्वायर क्या बच गया, y स्क्वायर dy की इंटीग्रेशन बच गई, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क आ रहा है, कहां से कहां तक dy। अब एक चीज देखो, dy का मतलब थिकनेस ऑफ रिंग है, पहली रिंग यहां पर होगी, इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट मास, पॉइंट ही है पहला, तो पॉइंट पुट, फिर दूसरा dy, ये dy, फिर तीसरा dy,
फिर ऐसे डी वाई जहां मर्जी जिससे मर्जी जाओ, तो ऐसे करके डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई करके टोटल डिस्टेंस क्या जाएगा आर। सभी डी वाई को हर तरफ जहां भी लेके जाओगे तो लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके आर तक। तो आपके पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3 इसकी इंटीग्रेशन, तो आपके पास आएगा 4 बाई 3 टाइम्स 4 बाई 3 पाई टाइम्स कितना आर, 4 आर बाई 3 पाई इसका आंसर है। लिमिट ये पहली डिस्क है, थिकनेस डी वाई है, अगली की भी डी वाई है, अगली की डी वाई है, डी वाई डी वाई, सभी डी वाई डी वाई डी वाई को मिलाओ तो यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आर। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है क्या। वैसे इंटीग्रेशन में मुश्किल नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए क्योंकि मेंस और नीट तक तो फॉर्मूला ही आता है, आगे किसी और लेवल पे जाओगे तो फिर इंटीग्रेशंस भी काम आती हैं, इसकी काफी काम आती हैं इसकी इंटीग्रेशंस। ठीक है यहां तक, ठीक नेक्स्ट फिगर करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है और ये सॉलिड है। सॉलिड बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, हॉलो होगा तो एरिया, सॉलिड होगा तो वॉल्यूम। ठीक, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, मास एम है और ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस है, आपको सेंटर से हाइट बतानी है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। सबसे पहला काम पता क्या होता है, एलिमेंट्री पोर्शन, चीज बनी किससे हुई है, किससे, डिस्क से, ये कह रहे हैं डिस्क से, अनइक्वल साइज्ड डिस्क से, सही बोल रहा है। एक अगर आप इसे सॉलिड हेमिस्फेयर रखोगे और आप उसे कट करो, जैसे केक पड़ा हुआ है हेमिस्फेयर, आप चाकू से कट करके देखो, स्लाइसेस निकलेंगे, सबसे बड़ा स्लाइस यहां से निकलेगा डिस्क, फिर एक और छोटी डिस्क, छोटी डिस्क, छोटी डिस्क, छोटी डिस्क, और सबसे ऊपर वाला तो एक पॉइंट ही निकलेगा, डन। तो ये तो समझ में आ गया कि डिस्क से बने हुआ है। ठीक, तो उनमें से एक डिस्क कंसिडर कर लो, कंसिडर अ डिस्क, ये लो एक डिस्क कंसिडर कर लो कुछ ऐसे ऑफ सम थिकनेस, ऑब्वियसली होगा तो डिस्क पीछे भी होगी नो डाउट, कुछ ऐसे पीछे से घूम के आएगी तो पीछे दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ पा रहे होगे एक डिस्क हमने कंसिडर कर ली है, और इस डिस्क का जो रेडियस है वो तो आर नहीं होगा ना, इस डिस्क का जो रेडियस है मान लो वो कितना है, स्मॉल आर होगा, और ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, और जो आपने डिस्क कंसिडर की उसकी हाइट कितनी है, वाई, आपने वाई डिस्टेंस पे डिस्क को कंसिडर किया, तो आपने वाई डिस्टेंस पे एक डिस्क को कंसिडर किया क्योंकि हाइट चेंज होती रहेगी,
थी, समझ में आ रहा है यहां तक। अब इसकी जो थिकनेस लेनी है आपने, ये dy लेनी है, थिकनेस इज dy, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, अब लॉजिक की बात करते हैं, पूरे हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होगा? आप एक डिस्क ले रहे हो, ठीक, एक डिस्क है हॉरिजॉन्टल में ऐसे, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? डिस्क के सेंटर पे होगा। अगली डिस्क, बड़ी वाली डिस्क का कहां होगा? उसके सेंटर पे होगा। अगली डिस्क का भी सेंटर पे होगा, सबका सेंटर सेम, सेंटर मींस कि हाँ मतलब इस एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पे होगा, उस एक्सिस पे होगा, मतलब कि इस डिस्क को जो मैंने कंसिडर किया तो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। ये सेंटर ऑफ मास किसका है? डिस्क का है, हेमिस्फीयर का नहीं, लिख देता हूं, ये जो पॉइंट लिया मैंने, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क। अगली डिस्क के लिए वाई चेंज हो जाएगा, तो हम एक काम करें, सभी डिस्क का सेंटर ऑफ मास C1, C2, C3, C4 करके CN, सभी डिस्क का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, पहले एक डिस्क लेनी पड़ेगी, डिस्क का क्या निकालना पड़ेगा? मास, दिस इज स्मॉल मास ऑफ डिस्क इनटू वाई। वाई का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क की लोकेशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क की लोकेशन तो वाई रहेगी क्योंकि वो सेंटर में ही है, वाई डिस्टेंस पे, तो इसमें कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, पिछली क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वाई रहेगा, क्यों लगेगा? हाँ तो वाई तो चेंज होगा तो इंटीग्रेशन आ गई ना, मैं वाई का फॉर्मूला नहीं पुट करूंगा ना, 2y into π टाइप कुछ भी, वो तो डिस्क वर्टिकल होती है तब लगता है फॉर्मूला, है तो हॉरिजॉन्टल डिस्क है सर, इमेजिन करो हॉरिजॉन्टल डिस्क का सेंटर मास तो सेंटर पे होगा ना, और वैसे भी वो हाफ डिस्क थी, ये फुल डिस्क है, कैसे लगेगा? वो हाफ डिस्क का फॉर्मूला था, ये तो पूरी पूरी डिस्क का तो सेंटर पे ही होगा। हाँ, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ले ली, इस डिस्क का मास यहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ मान लो y1, अगली डिस्क का dm y2, dm y3, तो dm y1, dm y2, dm y3 की जगह इंटीग्रेशन ऑफ dm into y अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये डिस्क का मास इनटू डिस्क का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ऑब्वियसली ये तो पूरी सॉलिड हेमिस्फीयर का मास ही आएगा जो कि कितने m। अब बारी है dm निकालने की, dm का मतलब मास ऑफ, dm का मतलब मास ऑफ डिस्क, बोलो मास ऑफ डिस्क क्या होगा? टोटल मास कितने है? m, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, तो पूरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 πr³, ओ सॉरी 2/3 πr³, ठीक, इनटू। अब बारी है वॉल्यूम ऑफ डिस्क निकालने की, वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करें? वॉल्यूम ऑफ डिस्क से, तो आपके पास मास ऑफ डिस्क आएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्क बोलो, वॉल्यूम ऑफ डिस्क विल बी इक्वल टू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई, बिल्कुल ठीक, क्यों? एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, थिकनेस कितनी है? डी वाई है, तो वॉल्यूम आ गया। तो यहां पर क्या पुट करेंगे? 3m बाय 2π R का क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू कितना? dy। ठीक, तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, y सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm हम निकाल चुके हैं, 3m डिवाइडेड बाय 2π r का क्यूब इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई,
और इनटू वाई, क्योंकि डीएम की वैल्यू पुट की है इनटू वाई पे तो चल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास एम, एम से एम हो गया कैंसल, पाई से पाई हो गया कैंसल। अब इसके अंदर आर आप निकाल सकते हो, बोलो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाइथागोरस। तो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई, इस आर स्क्वायर को यहाँ पुट कर देते हैं तो यू विल गेट 3/2 कैपिटल आर क्यूब इंटू वाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना डी वाई। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक, डीवाई की इंटीग्रेशन बोलो। नहीं, लिमिट्स बताओ। वाई की लिमिट्स 0 to R। क्यों? वाई की वैल्यू जब 0 होगी तो पहला सेंटर ऑफ मास पहली डिस्क के सेंटर पे आएगा, और वाई की वैल्यू जब कैपिटल आर होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो डी आर की वैल्यू वैसे भी डी वाई डी वाई डी वाई मिलाओगे तो 0 से लेके क्या आएगा कैपिटल आर तक आएगा। तो यू विल गेट 3/2 कैपिटल आर क्यूब बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कैपिटल आर तक वाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब इंटू कितना डी वाई इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स आर का क्यूब, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ गया वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब डी वाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर तक। तो 3/2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू सीधा पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर इज टू पावर 4/4 आफ्टर इंटीग्रेशन ये आएगा, दैट इज 3/2 आर का क्यूब आर इज टू पावर 4/2 माइनस आर इज टू पावर 4/4। सो 3/2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से कैंसल, तो 3/8 टाइम्स क्या आ जाएगा आर, आर इज टू पावर कितना है 4 है, कैंसल। ठीक, तो 3/8 टाइम्स आर, ये इसकी हाइट है, तो ग्राउंड से सेंटर हमारा 3/8 आर पे होगा।
नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर. अब सॉलिड की जगह क्या करेंगे, हॉलो. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर में अब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, सरफेस के ऊपर है. ठीक, तो एक हेमिस्फीयर बनाते हैं. ये एक हेमिस्फीयर है सच दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ठीक. इसका मतलब ये हॉलो है, ये खाली है. डॉटेड का मतलब होता है कि अंदर से खाली है. ठीक, किससे बना हुआ है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. अब ये रिंग से बना हुआ है. अब अगर आप ऐसा केक लेके आओगे अंदर से खाली है, जो काट के देखोगे तो रिंग्स एंड रिंग्स निकल, प्लेट में रखोगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है सोचने का. कट करोगे तो क्या निकलेगा, तो रिंग से निकलेगा. उनमें से एक रिंग कंसिडर कर लें, कंसिडर अ रिंग. तो दिस इज अ रिंग, रिंग, और जिसका मास कितना है, डीएम. पूरे हेमिसर का मास कितना है, एम, और रेडियस कितना है, आर. तो जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए, रिंग और हॉलो हेमिस्फीयर, तो उसको करने का तरीका देखो आप. क्योंकि एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर करोगे, जैसे मैंने कंसिडर किया इस एलिमेंट्री पोर्शन, ये जो कोने का एक पोर्शन है, कुछ इस तरीके से. ठीक, कुछ इस तरीके से कंसिडर करेंगे इसे, ऐसे. सो इस एलिमेंट्री पोर्शन ने लेट अस सपोज कितना एंगल बनाया, डी थीटा, मेकिंग एंगल ऑफ कितना, थीटा. आपको लेंथ लेनी पड़ेगी ना, तो एलिमेंट लेना पड़ेगा रिंग का छोटा. तो आपने रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया साइड पे, थीटा एंगल पे, सच दैट अगर ये रेडियस आर है तो ये जो डिस्टेंस है, इसकी थिकनेस है, वो क्या हो जाएगी, आर डी थीटा. एंगल इज इक्वल टू आर बाय रेडियस, तो आर इज इक्वल टू एंगल इन टू रेडियस, आर डी थीटा. और एज यूजुअल इस रिंग, ये जो रिंग है, मैं पीछे से कंप्लीट कर लेता हूं इसे, ये रिंग है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर में होगा रिंग के, और लेट अस सपोज कितने डिस्टेंस पे है, वाई हाइट पे है, और इसका खुद का रेडियस कितना है, स्मॉल आर. तो यहां से स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगेन. या रादर इसको तो एंगल की फॉर्म में लिया है हमने, सॉरी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लिखने की. उसका रीजन है स्मॉल आर की वैल्यू और इजीली निकल सकती है. कैसे, क्योंकि आप तो एंगल की फॉर्म में कर रहे हो, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय साइन थीटा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा. आसान हो गया, तो और भी आसान हो गया, कैपिटल आर साइन थीटा. वैसे भी कर सकते हैं, मैंने पहले किया था, एक ही बात है, ईजी हो जाएगा क्योंकि एंगल की फॉर्म में करते हैं. हॉलो को एंगल की फॉर्म में किया जाता है, थीटा की फॉर्म में सब कुछ. जो स्मॉल पोर्शन लिया या रिंग ली, रिंग का एक छोटा एलिमेंट लिया होगा डीएल, वो एंगल है ये. ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मास ऑफ रिंग निकालना, उसके बाद तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. मास ऑफ रिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब तो मास ऑफ रिंग निकाल लें, तो इसमें मास ऑफ रिंग विल बी इक्वल टू
मास ऑफ रिंग इज इक्वल टू डीएम इज इक्वल टू, बोलो क्या करें, मास टोटल कितने हैं एम एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, बोलो एरिया कितना 2πr² इनटू, हमने किसका मास निकालना है रिंग का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रिंग से, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग से, तो मास ऑफ रिंग आ जाएगा, ठीक। तो यहां से डीएम इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय 2πr², ये पूरी उसका है ना, थोड़ा हेमिस्फेयर है उसका एरिया लेना पड़ेगा ना, मास इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स एरिया, इसमें लोअर बेस का नहीं लेते सिर्फ सरफेस एरिया, सो इनटू बोलो क्या करें, इनटू एरिया ऑफ रिंग बोल दो, एक एरिया ऑफ रिंग निकाल लेते हैं, बोलो एरिया ऑफ रिंग मैंने सिखाया था अभी, सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस बोलो 2π, रेडियस कितना है इसका, आर साइन थीटा, तो 2π आर साइन थीटा सर्कमफ्रेंस हो गया इसका, 2π स्मॉल आर की जगह आर साइन थीटा, इनटू थिकनेस बोलो आर डी थीटा, यही निकाली थिकनेस तभी निकाली थी, तो इसको उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो डैट इज 2π आर साइन थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्क्वायर पाई पाई टू टू कैंसल, क्या बच गया एम एम साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अब बताओ हमने सेंटर ऑफ मास किसका ढूंढना है, हमने सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का ढूंढना है, तो रूल क्या बनता है, रूल ये बनता है सभी रिंग्स का सेंटर ऑफ मास ढूंढो, C1 C2 C3 एंड CN, उन सभी का सेंटर ऑफ मास इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, तो अब एक रिंग का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे होगा, तो कितने डिस्टेंस पे y, तो सिंपल रूल लगेगा डीएम, डीएम का मतलब यहां पर क्या होगा मास ऑफ रिंग इनटू हाइट कितनी है सेंटर ऑफ मास की वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, जो कि सॉल्व करके क्या पुट कर सकते हैं एम, ठीक। तो यहां पर डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं एम इनटू साइन थीटा इनटू डी थीटा इनटू कितना वाई डिवाइडेड बाय मास एम, एम से एम कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इनटू डी थीटा, इस ट्राइंगल में वाई और आर का रिलेशन है, कॉस थीटा इज वाई डिवाइडेड बाय आर, या फिर y इज r cos थीटा, तो यहां पर y की जगह पुट करेंगे r cos थीटा, तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल R बाहर आ गया और क्या बच गया साइन थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट से पहले साइन और कॉस की इंटीग्रेशन हमने की थी, इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा क्यों,
आर बाई टू, क्योंकि टू साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ टू थीटा डी थीटा। अब करेंगे इसके इंटीग्रेशन, लिमिट बोलो थीटा की क्या लगेगी, वही माइनस पाई बाई टू से, पाई बाई टू नहीं लगेगी इसमें, नहीं लगेगी इसमें, ही लगेगी सोचो, माइनस जीरो से टू पाई, तो किसी भी हालत में नहीं, पूरा सर्कल बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, फिर तो आधा कवर हुआ जीरो से पाई बाय टू, तो कितने लोग बोलते हैं जीरो से पाई बाय टू, ऐसा क्यों लगा तुम्हें जीरो से पाई बाय टू, ऐसे बोल दिया जीरो से पाई बाय टू है, और टू से मल्टीप्लाई नहीं करना, सोचो कैसे इसकी लिमिट जीरो से पाई बाय टू लगेगी, कैसे कहां पे, नहीं नहीं वो कोई फंक्शन जो मर्जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर देख के समझाओ। देखो पहले इस चीज को समझो कि अगर थीटा जीरो है, जीरो है, जीरो का मतलब ये एलिमेंट सीधा यहां पर आ गया, तो टॉप मोस्ट रिंग बन गई, थीटा जरा सा बड़ा। अब जरूरी थोड़ा है कि एलिमेंट यहीं पर होगा, एलिमेंट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जहां मर्जी ले लो एट एन एंगल ऑफ थीटा। देखो अगर ये रिंग है और पॉइंट यहां पर है और मैंने ये फिगर शो की, तो थीटा एंगल पे ये एलिमेंट सारे थीटा एंगल पे ही तो होंगे, इमेजिन कर पा रहे हो, रिंग के ऊपर यहां से लो चाहे यहां से लो चाहे यहां, सिमेट्री है ना, बिल्कुल सेंटर में। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि थीटा जीरो है, यानी कि ये रिंग का साइज बिल्कुल पॉइंट मास निकल आता है, थीटा अगर इंक्रीज करेंगे तो थोड़ी बड़ी रिंग आएगी, क्योंकि ये जो एंगल है थीटा यहां से ले सकते हो, यहां से लो जहां से मर्जी लो, पीछे बोर्ड के पीछे ले लो, तो सबके साथ एंगल क्या बन रहा है इसमें थीटा, कोन की तरह आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इसे रिंग है और सोचो ऐसा एक हॉलो कोन है, तो एंगल तो सिमेट्री में सेम ही बन रहा है। तो जब आप थीटा की वैल्यू जीरो लेते हो तो पॉइंट है, जब आप थीटा 90 लेते हो तो पूरी की पूरी बेस वाली रिंग आ जाएगी, इसलिए यहां पर लिमिट लगेगी जीरो से लेके पाई बाय टू। तो यहां से आर डिवाइडेड बाय टू, साइन की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, और यहां से जीरो से लेके पाई बाय टू, यहां से माइनस आर बाय फोर इंटू कॉस ऑफ टू थीटा जीरो से लेके पाई बाय टू, माइनस आर बाई फोर कॉस ऑफ टू इंटू पाई बाई टू कितना हो जाएगा पाई, माइनस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से माइनस आर बाई फोर माइनस वन माइनस वन, तो यहां से सॉल्व करोगे क्या आ रहा है आर बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा माइनस से, आंसर आर बाई टू। तो ये फॉर्मूलाज ना लिख लेना अपनी बुकलेट पे कहीं पर, सारी हाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि हाइट कहाँ होगी, आर बाई टू पे होगी। हमने टू टू लिया क्योंकि डी बाई डी थीटा टू थीटा डिवाइड बाई टू हो जाएगा उसमें, ठीक ठीक। एक फिगर और करते हैं, कोन वैसे दो पड़ी हैं, कोन एक कर लेते हैं बाकी सुन लेना, तो सॉलिड कोन कर लेते हैं, हॉलो कोन लंबा है थोड़ा, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, दो फिगर्स रह गई हैं। ठीक है कर लिया ये,
देखो नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन. तो लेट अस सपोज ये एक कोन है और ये सॉलिड कोन है सच दैट, ठीक, सच दैट इसका एलिमेंट्री पोर्शन क्या होगा, सॉलिड है डिस्क, तो बहुत सारी अलग अलग साइज के डिस्क निकलेंगी इसमें, उनमें से एक डिस्क मैंने ये कंसिडर कर ली. जो कोन है और इसकी जो थिकनेस है डिस्क की वो मान लो डी वाई है, और जो मैंने डिस्क कंसिडर की कोन के ना ऊपर वर्टेक्स से साइड डिस्टेंस मेजर होते हैं, बेस से नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन वर्टेक्स से होती है. तो जेई मेन में क्वेश्चन आया था वर्टेक्स से सेंटर ऑफ हाइट हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, उसने पूछा बेस से क्या होता है, तो आपको टोटल हाइट में से माइनस करना था, लोगों ने फॉर्मूला याद था गलत कराए जल्दी में याद नहीं रहता, ठीक, तो ध्यान से पढ़ लेना. तो ये इसकी कैलकुलेशन वर्टेक्स से होती है. तो लेट अस सपोज ये आपने डी वाई डिस्टेंस लिया सच दैट ये जो डिस्टेंस है ये डिस्क आपने कितनी दूरी पे ली, वाई, ये आपने वाई डिस्टेंस पे लिया सच दैट ये जो रेडियस है इसका किसी भी इंस्टेंट पे, लेट अस सपोज दिस इज आर, तो दिस इज वाई वाई एंड दिस इज आर, एंड रेडियस कोन का इज कैपिटल आर, रेडियस इज कैपिटल आर. और इसकी जो कोन है इसकी जो हाइट है इज कैपिटल एच. ठीक है यहाँ तक. सो नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसमें रूल तो वही लगाना है कि सभी डिस्क का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास. अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास का सेंटर पे ही होता है, सेंटर पे होता है, तो इसलिए कोई चक्कर ही नहीं y इन टू डी एम. तो इसका मास निकालने पहले, अब इसका मास निकालना पड़ेगा, तो यानी कि y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो वही लगेगा डी एम. डी एम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ डिस्क इंटू इंटू वाई, ऊपर से ले रहे क्या फर्क पड़ता है, डी एम इंटू वाई, इसकी इंटीग्रेशन सभी डिस्क का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा यहाँ से, ठीक. अब डी एम निकाल लें, डी एम का मतलब मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क विल बी इक्वल टू, बोलो क्या, मास कितना है पूरे कोन का एम, सॉलिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोई बात नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इनटू मास ऑफ क्या आएगा इसमें, सॉरी इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा इसमें, डिस्क. तो 3m पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ डिस्क के लिए एरिया इनटू थिकनेस, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई छोटा आर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी, डी वाई, छोटा आर तो निकल, छोटा आर निकालना पड़ेगा, छोटा आर जब भी कोन का क्वेश्चन आएगा याद रखना उसमें हमेशा क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल से होता है, एक लो छोटा ट्रायंगल, एक लो बड़ा ट्रायंगल, तो छोटे ट्रायंगल की हाइट और बड़े ट्रायंगल की हाइट, छोटे ट्रायंगल का बेस बड़े ट्रायंगल का बेस, तो लो स्मॉल आर आ गया कितना, कैपिटल आर वाई बाय एच, स्मॉल आर आ गया, इस स्मॉल आर को उठा के यहां पुट कर देंगे तो मेरे पास आएगा 3m बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इनटू पाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर वाई स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू कितना, डी वाई, कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, और यहां से क्या बच गया आपके पास, 3m y square dy by h का क्यूब,
क्यूब नहीं आएगा, क्यूब आएगा। इस डीएम को उठा के यहां पुट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 my² dy बाय एच का क्यूब इंटू वाई डिवाइडेड बाय मास m, m से m कैंसल, 3 by h³ कॉमन, y³ dy की इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बोलो, 0 से h तक, h तक y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट है, y की वैल्यू h है तो ये पॉइंट है, तो 0 से लेके h तक, तो 3 h³ h⁴/4 3/4 h। तो मेंस में जो क्वेश्चन आया था लास्ट से लास्ट ईयर ऑफलाइन पेपर देख लेना, उसमें पूछा एक सॉलिड कोन है, बेस से हाइट बताओ कितनी है सेंटर ऑफ मास की। अब लोगों ने मार्क कर दिया 3h/4, उसमें ऑप्शन दोनों थे 3h/4 भी और h/4 भी, तो आंसर h/4। ऑपोजिट जहां से एलिमेंट लिया वहां से पुट कर लो, एलिमेंट ऊपर से लिया तो ऊपर से आंसर आएगा, नीचे ले तो नीचे से आता नहीं, ओरिजिन ये मान लिया ना तो 0 0y पुट करोगे तो ये पॉइंट आ गया, h पुट करोगे तो ये आ गया, उल्टा करना है उल्टा कर लो तो आंसर h/4 आ जाएगा, उल्टा करोगे तो h/4 आ जाएगा, ऊपर से करोगे तो वहां से आ जाएगा, बस 3h/4। ठीक है यहां तक।